सिंगरौली में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट कर दी और घर के सामान की भी तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पास शिव पूजन सोनी के परिवार की जमीन पर कब्जा करने के विवाद पर दूसरे पक्ष लवलेश गुप्ता, कुशलेश गुप्ता और प्रिंस गुप्ता सहित दर्जनों व्यक्ति ने सोनी परिवार के घरों में आधी रात को घुसकर मारपीट की और घर का सामान फेंक कर वहां अवैध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। स्वर्गीय शिव पूजन सोनी पूर्व पत्रकार रह चुके हैं। शिव पूजन के भाई कई वर्षों से अपने पट्टी की जमीन पर बने मकान में अपने परिवार सहित गुजर बसर कर रहे थे। वर्ष 2013 में दलालों ने इस जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालत में केस कर दिया, लेकिन वहां से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बावजूद इसके आधी रात को इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसको लेकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इसमें जिस प्रकार से जबरदस्ती अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, टीबीएस एजेंसी वाले जो हैं, उनका क्या नाम है, कामता गुप्ता और उनके भाइयों द्वारा, लोकेश और कमलेश जो है, उनके सारे परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, कम से कम 50 आदमी आके यहाँ बबलू सोनी और उसके परिवार के साथ में मारपीट किए हैं। उनका किसी से दूसरे से चल रहा था किराए के जो दिए हुए थे, उसे मकान खाली कराने का वो है। बाकी प्रकरण, समस्त प्रकरण जो है कोर्ट में विचाराधीन है, अभी इसके ऑर्डर मिला हुआ है। उनकी 2016 से खरीदी हुई जमीन है। कौन थे ये? प्रिंस गुप्ता है। इसने गुलाब साहू से कोई जमीन खरीदी हुई थी और इसमें कुछ दुकानें बनी हुई है। जुलाई माह में प्रिंस गुप्ता ने एक दुकान वहाँ पर खाली करवाई थी, उसी के कारण से शायद उस समय रिपोर्ट भी नहीं हुई, कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई थी, इसलिए उसका मनोबल कुछ बड़ा हुआ था। और रात्रि में करीब 10:30-11 बजे के आसपास वापस वहाँ गया, उसके साथ करीब 15-20 लोग भी थे। वहाँ जाकर उन्होंने दुकान खाली कराने का प्रयास किया, निर्माण कराना चाह रहे थे, क्योंकि रात्रि 10:30-11 बजे के आसपास की बात होने के बाद इस तरह का जो कृत्य था वो संदिग्ध लगा। पुलिस को जैसी जानकारी लगी थी, मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और वहां पर जो लोग मिले उनको पुलिस ने अपनी अवरक्षा में ले लिया, तो बाकी लोग वहां से मौके से भाग गए थे। उसके बाद और ही पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।